नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत छोड़ो यात्रा का आज 45वां दिन है और आज शनिवार यानी 22 अक्टूबर को यात्रा कर्नाटक के येरागेरा गांव से शुरू की गई। कन्याकुमारी से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा अपना 3,570 किलोमीटर तक का सफर तय कर कश्मीर में खत्म होगी। बता दें, कांग्रेस की पदयात्रा अब तक 1,060 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुकी है। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि भारत जोड़ो यात्रा 24 से 26 अक्टूबर तक ब्रेक पर रहेगी, जिसमें से 24 और 25 अक्टूबर को यात्रा दिवाली ब्रेक पर होगी और 26 अक्टूबर को पार्टी के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव प्रमाण पत्र दिए जाने वाले कार्यक्रम के लिए यात्रा ब्रेक लेगी और 27 अक्टूबर की सुबह यात्रा तेलंगाना में फिर से शुरू होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे की तरफ से शुक्रवार 21 अक्टूबर को मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। बता दें, मनसे की तरफ से बीते 10 सालों से शिवाजी पार्क मैदान में दीपोत्सव का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन इस साल मनसे की तरफ से मनाया गया दीपोत्सव ज्यादा खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पहली बार मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक साथ एक ही मंच पर नजर आए हैं। मनसे की तरफ से आयोजित दीपोत्सव समारोह के लिए शिंदे और फडणवीस को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिसे लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या बीएमसी चुनाव से पहले नया गठजोड़ देखने को मिल सकता है और इस गठबंधन को लेकर अटकलें जोर पर हैं। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या आगामी बीएमसी चुनाव में भी ये तीनों नेता एक साथ आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के परिसर में 22 कमरों को खोलने की तथ्यात्मक जांच कराने वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज करते हुए इसे प्रचार हित याचिका करार दिया है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें याचिका खारिज कर दी गई थी। बेंच ने कहा, हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करने में गलती नहीं की, जो एक प्रचार हित याचिका है इसे खारिज किया जाता है। दिल्ली सरकार द्वारा 25 अक्टूबर से शहर भर के पेट्रोल पंपों पर वाहनों में ईंधन भरने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC को अनिवार्य करने के फैसले को वापस ले लिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 25 अक्टूबर से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर वाहनों में ईंधन भरने के लिए PUC अनिवार्य नहीं होगा। राय ने कहा कि पेट्रोल डीजल मालिक संघों ने कानून व्यवस्था के संबंध में कई सुझाव दिए हैं, इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ चर्चा की जाएगी और तब निर्णय लिया जाएगा। बता दें, राय ने 12 अक्टूबर को घोषणा की थी कि जब राजधानी में वायु प्रदूषण चरम पर होगा तो सर्दियों से पहले वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए वह PUC को अनिवार्य कर देंगे। इसके साथ ही गोपाल राय ने सम्मेलन के दौरान बताया कि वाहन विरोधी प्रदूषण अभियान यानी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का पहला चरण 28 अक्टूबर से 28 नवंबर तक होगा और इस दौरान दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स यात्रियों को विभिन्न माध्यमों से वाहनों के प्रदूषण के बारे में जागरूक करेंगे। लिस्ट्रस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद PM पद की दौड़ में भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे हैं, लेकिन ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बोरिस जॉनसन ने उनसे दौड़ से बाहर होने और लिस्ट्रस की जगह पर उन्हें वापस आने देने का आग्रह किया है। बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव सांसदों के सामने एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं कि केवल वे ही पार्टी को दिसंबर 2024 में होने वाले चुनावों में हार का सामना करने से बचा सकते हैं। लंदन के द टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। विपक्षी सत्तारूढ़ दल, जिसके पास संसद में प्रचंड बहुमत है, की लोकप्रियता में कमी आने का हवाला देते हुए जॉनसन ने मध्य अवधि चुनाव कराने की मांग की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक से पद की दौड़ से बाहर होने और बाद में वापसी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पार्टी नेतृत्व का चुनाव अगले सप्ताह है, जिस पर शुक्रवार तक फैसला आने की उम्मीद है। बता दें, बढ़ती कीमतों और टैक्स में कटौती करने में असफल होकर लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री बनने के 45वें दिन इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नफरती भाषण पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि आज के जमाने में भी धर्म के नाम पर कैसी कैसी बयानबाजी हो रही है। अदालत ने नफरती भाषण देने वालों को तो चेताया ही है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वालों को भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नफरती भाषणों को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें ऐसे मामलों के खिलाफ खुद ही संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें,
या फिर अवमानना के आरोपों का सामना करने के लिए तैयार रहें। अदालत ने कहा, अगर सरकारें कार्रवाई करने में विफल रहती हैं तो अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में हुए नफरती भाषण के अपराधों पर की गई कार्रवाई के बारे में अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन सरकारों को किसी भी शिकायत का इंतजार किए बिना किसी भी नफरती भाषण वाले अपराध के खिलाफ खुद से कार्रवाई करनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की रोकथाम के अंतर्राष्ट्रीय संगठन FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट कर पाकिस्तान के लोगों को इस मौके पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान के लोगों को बधाई, पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके लिए विशेष रूप से विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी टीम और सभी राजनीतिक दलों की भूमिका और प्रयासों की सराहना की है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।